आपको ना कुछ डायरेक्टली डायमेंशन याद कर लो, नहीं हो पाएगा, वो भूल जाएगा, इसलिए फॉर्मूला याद करो। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं नहीं, लेकिन अगर आप वो याद रखोगे, क्या नाम है, फॉर्मूले ना, तो हो जाएंगे, वो इजी है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन कर लेते फर्स्ट, फर्स्ट लिख दिया था। हाँ 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 ठीक है, ये हो गया ना स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ सुनो, जैसे मान लो हमें डायमेंशन बनाना है एक्सेलरेशन का, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज एल वन टी माइनस वन एम जीरो, तो हो जाएगा आपका एल वन टी माइनस वन और यहाँ पर t, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका m0 l1 t माइनस टू। ये सीखा है हमने अभी तक, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हम जो डायमेंशन लिखते हैं वो MLT यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखते हैं, वही सेवन क्वांटिटी ही। अगर मैं कह दूँ कि आपको डायमेंशन लिखना है x कोई क्वांटिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, क्वेश्चन है नीट का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, नीट भी कह लो IIT भी कह लो दोनों कह सकते हो, आपको MLT के फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको MLT के फॉर्म में नहीं लिखना, बट डायमेंशन लिखना है। क्वेश्चन में है कुछ इस तरह से, आप क्वेश्चन है कि इफ फोर्स F, इफ क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इफ फोर्स F कॉमा एक्सेलरेशन A, एक्सेलरेशन A एंड टाइम t, एंड टाइम t आर टेकन फंडामेंटल यूनिट, टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। अभी तक आपके पास फंडामेंटल यूनिट वो सेवन क्वांटिटीज थी केवल, हम ये कह रहे हैं आपको उन सात को नहीं लेने हैं, आपको f a t ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी आप बनानी है, जबकि ये है क्या, डिराइव क्वांटिटी, टाइम को छोड़कर, टाइम फंडामेंटल है, फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, लेकिन आपको इन तीनों की मदद से डायमेंशन लिखना है एनर्जी का। राइट द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स एक्सेलरेशन टाइम। तो सबसे पहले तो आप मुझे डायमेंशन बताइए एनर्जी की विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल, विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल। एक सेकंड सर, आपकी आवाज अभी, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ सर, हाँ निहारिका तो आ गई सर, हाँ ठीक 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 है। सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि हमें एनर्जी का डायमेंशन लिखना है फंडामेंटल, तो एनर्जी एक्चुअली क्या होती थी, वर्क डन, मैंने कहा था ना वर्क डन का डायमेंशन एनर्जी डायमेंशन सेम होता है, तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस पक्का इनटू डिस्टेंस फिर से एल, तो ये बन गया आपका एम वन एल टू टी माइनस टू, ये किसका डायमेंशन बना, वर्क का, मतलब यही एनर्जी का बना, है ना। बट ये जो डायमेंशन बना वो मास लेंथ और टाइम में, हमको किस में चाहिए, मतलब मुझे जो डायमेंशन चाहिए वो E इज इक्वल टू चाहिए फोर्स पे कुछ नंबर, लेट से A, एक्सेलरेशन पे कोई नंबर लेट से B, और टाइम पे कोई एक्सेलरेशन लेट से C, यानी A B C का हमको नंबर चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप NCERT की बात कर लो, मतलब बोर्ड के अपने ऐसे कर सकते हैं, बट हाँ हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं डायमेंशन को इक्वल, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखेंगे, यहाँ टाइम जो का डायमेंशन लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी का डायमेंशन, दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वहां से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या करने वाले हैं, समझिएगा, हाँ कर लो कॉपी।
अब क्लास रेगुलर रखना पड़ेगा ना, अब ऐसे नहीं छोड़ सकते, सिलेबस ही नहीं होगा कभी भी, फिजिक्स की सिलेबस बहुत वास्ट है। तो अब एक हो चाहे दो हम स्टार्ट रखेंगे क्लासेस, बच्चे जब आएंगे तो जुड़ जाएंगे। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा है ना M1 L1 T-2, तो फोर्स का डायमेंशन हम लिखते हैं यहाँ पे, फोर्स का डायमेंशन है आपका M1। नहीं नहीं इस वाले फॉर्मूले में फोर्स जो वर्क का होगा वो एनर्जी का ही होगा, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। हम ये कह रहे हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है M1 L1 T-2 उसके पावर a, मतलब ये है ना फोर्स, इसका डायमेंशन हमने आप सब्सिट्यूट किया। फोर्स तो हमको याद है ना, हमने एनर्जी का डायमेंशन निकाला है, ये जो डायमेंशन है ये एनर्जी का डायमेंशन, हाँ इक्वेट करना है। अब सिमिलरली थोड़ा इसको ना साफ साफ लिख लेते हैं क्योंकि जगह हो गया कम, यहाँ पे करते हैं E = हमारा था F पे पावर A, एक्सेलरेशन पे पावर B एंड टाइम पे पावर C। फोर्स का डायमेंशन है M1 L1 T-2 इस पे पावर A। हम क्या कर रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की जगह पे डायमेंशन रख रहे हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, यहाँ पर डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। एक्सेलरेशन अच्छा ऐसे भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर मतलब लेंथ। टाइम पे स्क्वायर है तो टी पे बाय माइनस टू, आप ऐसे यूनिट से डायमेंशन बना सकते हो, यूनिट से भी डायमेंशन बन जाता है। मीटर पर सेकंड तो लेंथ होगी एक चीज, और सेकंड स्क्वायर है तो हाँ, तो M0 L1 T-2 ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम यहाँ रख देते हैं। M0 L1 T-2 पे पावर B, और टाइम का डायमेंशन क्या, T। अब क्या करना है हमें, हाँ तो ये हो जाएगा MA LA T-2A प्रोडक्ट में, M0 खत्म, LB T-2B प्रोडक्ट में TC, और यहाँ पर है आपका E। एक स्टेप और करते हैं, M कोई और है नहीं, केवल अकेले M है, L एक यहाँ पर है, A दो है, तो आपका बनेगा LA प्लस B। ये है T और ये है T और ये है T, तीन बार है, तो T 2-A 2-B प्लस C। ये किस मल्टीपल इतना जरूरी है, मैं इसे याद नहीं कर सकते ABC को बिना लगाए। नहीं नहीं ये दिखाना पड़ेगा ना स्टेप्स। अब एनर्जी का डायमेंशन हमने बना लिया था, क्या बनाया था बताना एक बार मेरे को, M1 L2 T-2 ये बना लिया था। डायमेंशन कहता है, डायमेंशन एनालिसिस कहता है कि दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी की। तो हम जब पावर कंपेयर करेंगे M से M कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू आ गई 1, L से L कंपेयर करेंगे तो A प्लस B की वैल्यू आ गई 2, T से T कंपेयर करेंगे तो -2A -2B प्लस C = -2। यहाँ सर A की वैल्यू पुट कर देंगे तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो A प्लस B = 2 में अगर हम A 2 - A कर देंगे, A उधर जाएगा तो, और A की वैल्यू क्या है, तो B की वैल्यू क्या आ गई, A आ गया B आ गया C चाहिए, इनको हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करें, 2 × 1 हाँ ये हो जाएगा -4 प्लस C = 2, तो C = क्या, पक्का जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, हाँ हाँ तो C की वैल्यू आ गई 6। नहीं ये माइनस है, ठीक है वही मैं कह रहा था, C माइनस है तो -2 + 6 = 4, तो C की वैल्यू क्या आ गई 2, तो A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई 1 और C की वैल्यू आ गई 2। ये जो वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में माना था ना, यहाँ पे पुट करेंगे, तो अब एनर्जी का डायमेंशन आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ब्रैकेट बना के, E = F1 acceleration 1 and T2. This is the dimension of energy with respect to force
एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्कूल में जो सीखते हैं वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, डायमेंशन निकालना केवल, है ना। लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि किस तरह से हम, ये क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। हमें यह सीखना चाहिए कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डायमेंशनली कैसे लिख सकते हैं, वो हमने यहां पे सीखा। ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, नीट आपको इसमें एसएल अरोरा में भी है, आईआईटी में भी पूछा गया, एसएल अरोरा में भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गई थी, आपको एनर्जी का डायमेंशन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फिजिकल क्वांटिटी जो हमने दिया है, क्योंकि हम एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है विद फंडामेंटल। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ मोमेंटम स्मॉल पी, क्योंकि मोमेंटम को किस में लिखते हैं, स्मॉल पी में, इफ मोमेंटम स्मॉल पी वेलोसिटी वी एंड लेंथ एल, इफ मोमेंटम स्मॉल पी वेलोसिटी वी लेंथ एल are taken as a fundamental unit, then write the dimension of power। तो सबसे पहले तो हमें power की dimension पता होना चाहिए। सुनिए कहानी क्या है, आपको power का dimension लिखना है with respect to momentum, with respect to velocity and with respect to time, length not time। लेकिन सबसे पहले हमें पावर की ओरिजिनल डायमेंशन पता होनी चाहिए, ओरिजिनल डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो पावर होता क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। अब मुझे वर्क की डायमेंशन लगेगी, पिछले वाले क्वेश्चन में एनर्जी की डायमेंशन बताइए क्या है, m1 l2 t-2, और यहां पर t1 है, ये ऊपर जाएगा, तो m1 l2 t-3, ये आपका किसका डायमेंशन आया, पावर का, किसके रिस्पेक्ट में, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये तो डिराइव क्वांटिटी है। अब हमें मोमेंटम का डायमेंशन पता होना चाहिए। मोमेंटम का क्या होता है बताए, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू फॉर्मूले पता होना चाहिए, मास m, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो लेंथ t-1, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो ये आपका डायमेंशन किसका आया, मोमेंटम का, किसका, मोमेंटम का। अब उसी तरह से वेलोसिटी का डायमेंशन है मीटर पर सेकंड और लेंथ का तो l ही है। अब इन सब को उठा के हमें वहां पे सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्व करिए।
जेड की वैल्यू क्या आई है? लास्ट वाली जेड की आ रही है आपकी माइनस वन, है ना? तीन वेरिएबल आया ना, एक्स की वैल्यू आई है वन, वाई टू, हाँ कोई सुनी, सी की वैल्यू क्या आई है? माइनस वन, ये है ना। अब इन्हीं को क्या करना है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। हाँ हाँ ठीक है ना। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है कुछ नहीं करना है, वहां पे पुट कर देना है इसमें, जहां हमने अज्यूम स्टार्टिंग में माना था इसमें। तो ये हो जाएगा आपका प्रेशर इज इक्वल टू मोमेंटम पे पावर वन, वेलोसिटी पे पावर टू और लेंथ पे पावर माइनस वन। ये आपका आंसर है। तो हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी वन वी टू एल माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाना, मतलब ब्रैकेट में लिखना। तो ये हाँ, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सेलरेटर में मिलेगा, ठीक है। दो मैंने कराया आपको, हाँ हाँ अरे दुकान से खरीद लो सेकंड हैंड, नहीं तो लेनी है, आ गई होगी। अब हम लोग जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हमने पहला पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट, चलो नेक्स्ट शुरुआत से करते हैं, चेकिंग से पहले कन्वर्जन करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस। और फ्रेंड के पास नहीं तुम्हारी हो असल हो रहा। इसमें पहला पढ़ने जा रहे हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये कराया था मैंने कन्वर्जन ऑफ, हाँ लेकिन जिस दिन आपने आया था उस दिन कन्वर्जन हुआ था, तो फिर से रिकैप हो जाएगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा जाता है एन और यू के फॉर्म में, एन और यू के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा अगर वन न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू, जिसमें आपका क्यू है वन और न्यूटन है उसकी यूनिट, यूनिट क्या है? न्यूटन है। हमें क्या करना होगा, जनरली बड़े यूनिट से एम के एस से कन्वर्ट करना होगा सी जी एस में, छोटे यूनिट में, या छोटे यूनिट से हमें जाना होगा बड़े यूनिट में, ये हमें करना। यहाँ पे एसआई यूनिट भी ले सकते हो, एसआई यूनिट सेकंड सेम सब में रहेगा सर, ठीक है। अभी समझ लो लिखने से पहले, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर समझ आएगा। जैसे मैंने कहा कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइन, डाइन जो है वो छोटी यूनिट है फोर्स की। क्वेश्चन है कन्वर्ट वन न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है एन वन यू वन है और ये क्या है एन टू यू टू है। तो आपको एन वन पता है, यू वन पता है, यू वन है डायमेंशन, क्या है डायमेंशन लिखेंगे, क्योंकि फोर्स है यूनिट है, बट हम यहाँ डायमेंशन की मदद कर ले हेल्प ले रहे हैं। तो फोर्स की डायमेंशन है एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज है, वो भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि एन वन डायमेंशन वन, पहली वाली वैल्यू डायमेंशन वन, एम वन एल वन टी माइनस टू, मान लो इस तरफ वाला सारा वन वन है, वन वन वन, क्योंकि दोनों ही फोर्स की ही क्वांटिटी है ना, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, एम वन एल वन टी माइनस टू, मान लेते हैं ये टू टू टू। तो एन टू क्या आएगा, अगर हम ट्रांसफर कर दें तो एन टू क्या आएगा, एन वन सब कुछ इधर आ जाएगा, एम वन अपॉन एम टू, एल वन अपॉन एल टू और टी वन अपॉन टी टू। और देखो डायमेंशन सेम है तो इस पर पावर भी क्या होगा, सेम होगा, इस पे पावर होगा वन, इस पे वन, इस पे माइनस टू। पक्की बात यहां से अब समझना हमारे पास। अच्छा एक चीज और, एन वन कितना है वन न्यूटन, क्या वन न्यूटन, तो एन टू हमें निकालना है, एन टू हमें, हाँ ज्यादा आएगा, एन टू हमें निकालना है। हमारी जो पहली वैल्यू है वो किसमें है, एसआई यूनिट में है, मतलब बड़ी वैल्यू है, तो मास होगा किसमें, केजी में, किसमें होगा केजी में। दूसरी वाली छोटी यूनिट है सीजीएस यूनिट है, तो मास किसमें होगा ग्राम में, वन पावर।
पहली वाली यूनिट बड़ी है तो लेंथ होगा मीटर में, किलोमीटर में नहीं, मीटर में, किसमें, और छोटी यूनिट होगी सेंटीमीटर में, इसमें पावर वन। टाइम पहले भी सेकंड होगा और बाद में भी सेकंड से होगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अब समझना। अब हमको किसमें जाना है, सीजीएस में, किसमें जाना है, जिसमें जाना होता है, इसका एक ट्रिक हो ऐसे मतलब याद करने के लिए, जिसमें जाना होता है उसमें सारी क्वांटिटी ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो किसमें जाना है तुमको, सीजीएस में जाना है, किसमें जाना है आपको, एमकेएस से किसमें जाना है, सीजीएस में जाना है, ये सारी यूनिट सीजीएस में होनी चाहिए, सभी के सभी। तो नीचे तो सीजीएस है, ऊपर सीजीएस नहीं है, तो चलिए बना देते हैं। तो वन वन, तो वन में कितना, 1000 ग्राम, कितना, एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, हाँ हम ग्राम बना रहे, नीचे ग्राम तो है ही है, नीचे ग्राम, हमें यूनिट वाला जो बॉक्स है, ये यूनिट वाला जो बॉक्स है उसको उसमें सब सीजीएस कर देना है, जिसमें जाना है, जिसमें जाना है। उसी तरह से 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, वन सेकेंड। ग्राम से सेंटीमीटर से ये 1 चल रहा है, ठीक है, 1 × ये कितना होगा, 10^3, 3 0 है ना, 2 कितना आ गया, 10^5, क्या आ गया। अब ध्यान से देखो, सारी यूनिट्स तो कट चुकी हैं, यूनिट हमें निकालना था सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट क्या थी, डाइन, क्या थी, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो गया 10^5 डाइन। अब उतार लो, अब इसका उल्टा भी करेंगे, 10^5 डाइन को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, आज देखो देविक नहीं आया ना, पिछली बार बीमार पड़ गया, अब क्लासेस चलेंगी, एक भी बच्चा आएगा तो भी ऐसे रोकेंगे हम, तो फिर पढ़ा चुके अभी पढ़ा ही नहीं पाएंगे। एक बच्ची और जुड़ेगी बट वो अभी ना थोड़ा सा कन्फ्यूज है स्ट्रीम को लेकर, उसको मिला कॉमर्स है, स्कूल वाले उसको साइंस दे नहीं रहे, और दूर से आती है पहाड़गंज से, बट उसको मम्मा से मैंने कहा बैच चालू कर लो, अगर मान लो नहीं देते स्कूल वाले कॉमर्स, ठीक है, अरे फिजिक्स साइंस कॉमर्स लेके पढ़ लेना, तब फीस देना, हम फीस वापस कर देंगे। अब 2 महीने बाद अगर पढ़ोगी, जब रिजल्ट आएगा मई के बाद, तब तक तो हम 2 चैप्टर यहाँ पे, इसके बाद हम मोशन स्ट्रेट लाइन ख़त्म कर देंगे 2 से 3 क्लास में, 3rd चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा,
सेकेंड ही वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड ही है, नहीं इजी है वो, मुश्किल है मोशन इन प्लेन, हाँ सेकेंड इजी है। अब देखो इसमें क्या है, हम जा रहे हैं सी जी एस से किसमें जा रहे हैं, एम के एस में, जिसमें जा रहे हैं ना वो याद रहना है, जहां पहुंचोगे उसको याद रखना, जहां से जर्नी शुरू की उसको याद नहीं रखना, कहां पहुंचना है वो याद रखना है। क्यों बताता हूं देखो, डाइन है ये भी फोर्स, ये भी है फोर्स, तो हम ऐसे लिखेंगे एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। एन वन पता है वन डाइन, कितना डायरेक्ट, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें ये, ठीक है आप डायरेक्ट ऐसे बनाओगे एन टू इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है एन टू इज इक्वल टू एन वन, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एम वन अपॉन एम टू पे पावर ए, ए क्या है डायमेंशन का पावर, एल वन अपॉन एल टू पे पावर बी, टी वन अपॉन टी टू पे पावर सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यही याद रखना है। एन वन हमारे पास है वन डाइन, एन वन क्या है, जब हम एन वन ले रहे हैं तो ये सब भी सी जी एस वाले लेंगे, तो यहां पर है वन ग्राम, क्या है मास पहला लेंगे, क्योंकि ये हो गया ना पहला यूनिट, ये हो गया एन वन यू वन पहला यूनिट, ठीक है, जिसको जहां पे मतलब जिसको कन्वर्ट करना है नीचे वो नीचे आ रहा है, दूसरा एम टू है वन के जी, एन टू नया चाहिए, एम वन गिवन है, एम वन गिवन है पे पावर डायमेंशन कंपेयर करेंगे वन, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन है। सिमिलरली सीजीएस यूनिट है, लेंथ किस में होता है सेंटीमीटर में, वन सेंटीमीटर, यहां पर वन मीटर, डायमेंशन है यहां पर वन, टाइम को वही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, वन सेकेंड अपॉन वन सेकेंड पे पावर माइनस टू, आगे से ये लिखूंगा भी नहीं, ये खत्म हो जाएगा, केवल हमें ये दो से मतलब है ना। अब देखना कहां जाना था वैसे एमकेएस में, तो ये इसके अंदर की दोनों तरफ ऊपर एंट्री नहीं, एमकेएस में होना चाहिए, एमकेएस में जा रहे हो ना, हाँ ग्राम केजी में करेंगे है ना, तो वन नीचे तो रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, वन केजी, और वन ग्राम में टेन पे पावर माइनस थ्री केजी होता है, तो हो गया आपका टेन पे पावर माइनस थ्री केजी पे पावर वन। सिमिलरली वन मीटर वैसे रहेगा, ये हो जाएगा टेन पे पावर माइनस टू मीटर पे पावर वन, केजी से केजी से ये से, तो ये कितना आ रहा है देखो माइनस फाइव न्यूटन, यहां से आ गया वन डाइन इज इक्वल टू टेन पे पावर माइनस फाइव न्यूटन, और वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन पावर फाइव डाइन, ये हमने कैलकुलेट किया था, तो दोनों आना चाहिए कन्वर्जन। बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगा, मतलब ये ऐसे होगा 10 पे पावर माइनस 3 इन टू 10 पे पावर माइनस 2, ये बीच में ना मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई है।
अब देखिए एसएल अरोरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन है, एक दो करेंगे डिस्कस। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है एसएल अरोरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये शायद पेज नंबर है पता नहीं क्या, 2.27 पेज नंबर है, पेज नंबर चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 27 ऐसे है, ऐसे बना हुआ है। क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, आपको डेंसिटी दिया है मरकरी का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब डायमेंशन अगर आपको भूल जाए और फॉर्मूला ना याद आए, डायमेंशन अगर फॉर्मूला ना याद आए तो उसकी यूनिट्स देख लो, ग्राम दे रहा है मतलब मास, क्यूब होता है वॉल्यूम, क्या होता है सेंटीमीटर का क्यूब है, क्या है, अब क्यूब सेंटीमीटर है लेंथ, तो मास हो गया 1, लेंथ का क्यूब, तो डेंसिटी का डायमेंशन बन गया m1 l3 t0। तो डायमेंशन आप उसकी यूनिट से बना सकते हो, डायमेंशन बन गया। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इतना इन सीजीएस, सिंपल सी बात है, छोटी यूनिट है तो सीजीएस ही होगा, है ना। फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट, मतलब एमकेएस, बड़ी यूनिट में फाइंड एसआई यूनिट, फाइंड वैल्यू इन एसआई यूनिट। डायमेंशन मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या करूंगा, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 a, l1 अपॉन l2 b, t1 अपॉन t2 c। टाइम तो है ही नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी, छोड़ दो। n1 पहली वैल्यू है 13.6, पहला वैल्यू ग्राम में है, किसमें है, ऊपर वाली वैल्यू दी गई, m1 मतलब जो दिया हुआ है, m2 मतलब जो निकालना है, तो कितना है भाई 1 ग्राम, 1 किसमें जाना है एसआई यूनिट में, तो 1 kg, 1 kg, a क्या है, m की वैल्यू है 1, वहां से कंपेयर करेंगे तो पावर आ गया 1। लेंथ भाई साहब सेंट, अच्छा ठीक है, लेंथ है आपका सेंटीमीटर में, किसमें सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, चाहिए किसमें मीटर में, किसमें मीटर में चाहिए, पावर कितना -3, ऊपर गया ना, ये मैंने गड़बड़ कर दी, ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा ना, तो जो पावर यहां पे होगा ना वही डायमेंशन का भी पावर होगा। ग्राम किसके लिए होता है, मास के लिए, इसमें पावर कितना है 1, सेंटीमीटर क्यूब लेंथ से बना, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो 3 बार लेंथ है -3, ये डायमेंशन बन गया डेंसिटी का। इसका तो 0 ही होगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूं मैं 1 सेकेंड, क्योंकि हमें स्टेप मार्किंग में चल ही होता है 0, आगे ये 0 हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पता यहां तो कोई दिक्कत, कहां जाना है, जाना कहां है एमकेएस में, तो सभी अंदर की जो बॉक्स के अंदर के इनपुट है वो सब में एमकेएस में होना चाहिए, सब केजी में होना चाहिए, किसमें चाहिए केजी में, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10^-3 kg, ये सीख जाओगे ना तो बहुत आसान है। कहां जाना है, 1 कहां जाना भाई, हाँ दी द बेस्ट इजिएस्ट वे है ये भाई, केजी केजी कट गया, ये कट गया, 10^-3 बेस सेम पावर ऐड, तो 13.6 इंटू 10^-5 केजी, मास वुड बी इन केजी मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी इन केजी मीटर पर क्यूब। इसको भी उतार लो, इसको भी रिवाइज करना आप, ये लखमीर सिंह का ही है, अरे लखमीर कह रहा हूँ, एसएल अरोरा का है, कहाँ पे, हाँ ये n1 है, हाँ क्योंकि गिवन है ना, वो तो गिवन है ना, जो चीज गिवन उसको लेंगे, ये n1 है,
तो यहाँ पे एन वन गिवन है 13.6, यूनिट यू वन में आपका ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था यूनिट, तो उससे हमने डायमेंशन बनाया। ये हो गया, छूट गया, गलती हो गई। ये जो -3 है ये इसके साथ तो जाएगा आपका 10^-2 × -3, तो हो जाएगा 10^, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस 6, ये गड़बड़ हो गया। तो 10^-3 × 10^+6, तो 10^+3, तो यहाँ पर 5 ना आके, ये देखना भूल गया मैं, इसको काटो। अब करेक्ट आंसर बना 13.6 × 10^+3, वो मैं 3 देखा ही नहीं, मैं सिंप्लीफाई होगा वो 3, वो भी रहेगा ना, हाँ ध्यान देना उसको, मेरे को लगा 1 है। कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 dyne/cm। आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, सरफेस टेंशन दिया, अगेन आपको फॉर्मूला नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट दिया हुआ है ना, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 72 dyne/cm। पर इसका मतलब, इसका जो फॉर्मूला है आप यहां से बना सकते हो, सरफेस टेंशन का फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की तो होती है, ये ऐसे तो लिखा हुआ है। अच्छा, डाइन किसका होता है, फोर्स का, और ये सेंटीमीटर, ये किसमें दिया है, सी जी एस में दिया है, तो डायमेंशन बनेगा इसका सरफेस टेंशन का m1 L1 T-2 L^1। भाई साहब गए, ठीक है, डायमेंशन बना m1 L0 T-2, ये हमारा डायमेंशन आ गया सरफेस टेंशन, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना हमें अभी। आपको आंसर लिखना किसमें, हाँ MKS में लिखना है, तो MKS में किसमें आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा, क्या आएगा, तो बस कर लो। कल छुट्टी है, कल भी क्लास लेके खत्म करके नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब कल छुट्टी है ना, कल वेनसडे है ना, अपना शेड्यूल बता देना, उसके बाद ले लेंगे, उसके पहले 6 से 7 होती है ना, उसके पहले ले लेंगे। वैसे भी मैं 6 से 7 यहाँ रहूँगा नहीं, जो जाऊँगा वहाँ मानसरोवर गार्डन, तो मैं तो मॉर्निंग क्लास लूँगा 1 बजे से 3 बजे के बीच में। हाँ, जो दिया वो N1 है, जो गिवन होगा वो N1 होगा, तो 72। ग्राम लेंगे, छोटी यूनिट है ना, तो
तो ग्राम और नीचे लेंगे केजी की, नीचे लेंगे केजी और वन, एल तो जीरो ही है, चाहो तो लिखो नहीं तो छोड़ दो, एल जीरो टी, नहीं एल जीरो नहीं है, एक सेकंड, हाँ एल जीरो है, एल जीरो, एल जीरो है, एल कट गया, टाइम है ना, तो वैसे भी फर्क ही नहीं पड़ना है, वन सेकंड अपॉन वन सेकंड पे पावर माइनस टू है, अभी कट के भी केवल हमें मतलब इससे किससे ग्राम से मतलब है, हमें किस में जाना है, कुछ नहीं खत्म, सब इधर का सब खत्म, ये ना ये खत्म, ये कट के एक्चुअली वन हो गया ना, वन पे पावर माइनस टू क्या देगा, वन ही तो देगा, मतलब वन अपॉन में आ जाएगा, वन पे पावर माइनस टू, वन अपॉन वन स्क्वायर तो क्या दे गया, वन ही तो दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये भी गया, ये भाई साहब भी गया, ये भाई साहब भी, केवल ये बचा, हमें कहाँ जाना था, एसआई में, तो सब कुछ बड़ी यूनिट, तो सब कुछ बड़ी, तो ग्राम होता है आपका 10^-3 केजी है ना, और नीचे था ही केजी, केजी से केजी कट गया, तो बस आंसर आ गया आपका ये 72 × 10^3 नहीं वो कट गया, ये डाइन का बन जाएगा न्यूटन और सेंटीमीटर का बन जाएगा मीटर, यूनिट ये लिखेंगे यहाँ से, तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये आंसर बन गया, 10 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है सारे के सारे 10 क्वेश्चन आपको करने हैं इसके, दो कराया मैंने, ये पीडीएफ भेज देता हूँ मैं, है ना ये पीडीएफ, अब है चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी, मैंने आपको कराया था जिसमें हमें ये चेक करना होता था कि जो हमारा फॉर्मूला है वो सही है या गलत है, ठीक है मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप पे अभी क्लास के बाद, कहाँ गया ये चैप्टर है आपका डायमेंशन, ये रहा इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दे रहा हूँ, 86 पेज की है ये पहला चैप्टर, बट इसमें ना पीछे वो भी है क्या कहते हैं क्वेश्चंस बहुत आते हैं, थ्योरी तो कम ही होगी, एनसीईआरटी का, अरे बोर्ड का होगा, सीबीएसई का होगा, दुनिया भर के क्वेश्चंस होंगे। अब हम आते हैं दूसरा, चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, जो आपका फर्स्ट था, असल में ना उसमें ना ये तो ठीक है कि आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है ये जरूरी जानना है, तो चेकिंग द डायमेंशन जो आपने पहला किया था वो सेकंड है, चेकिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो पहला लिखवाया था ना वो यही था, चेकिंग द डायमेंशन, हाँ ये हेडिंग इसका है कन्वर्जन ऑफ, इसका हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, एक से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है जो डिस्कस कर चुका हूं बट उसका एप्लीकेशन हम यूज कैसे करेंगे वो देखना, चेकिंग द डायमेंशन, चेकिंग द डायमेंशन, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन मतलब ये कहता है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नाम का एक टॉपिक है, इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो, जैसे मैंने ये लिखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो डायमेंशन s का होगा वही डायमेंशन इसका होगा, लेट्स से दिस इज डी वन, दिस इज डी टू और ये पूरा का पूरा डी थ्री, तो डायमेंशन डी वन डी टू डी थ्री सेम होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इक्वेशन गलत है। तो डायमेंशन d1 का क्या होगा, मतलब s1 क्या, s का डायमेंशन होगा m0 लेंथ 1 टाइम 0, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है ना। अब आते हैं ut पे, d2 क्या है, डायमेंशन ऑफ ut, डायमेंशन ऑफ किसमें, ut कर रहे हैं ना, ये तो d1 किसका किए हम, किसका किया हमने, अब ut में u क्या है, मतलब इस सेट की डायमेंशन उन दोनों की एडिशन, नहीं नहीं सेपरेट 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 सेपरेट, इसका डायमेंशन एक आएगा, इसका भी एक डायमेंशन आएगा अलग अलग, अगर ये लाइट टर्म है तो इनका भी डायमेंशन आपस में, इसका भी डायमेंशन आपस में और इसका भी डायमेंशन आपस में, तभी इक्वेशन वैलिड है नहीं तो नहीं वैलिड है। तो क्या कर रहे हैं हम देखना बहुत ध्यान से, हम यूटी यानी डायमेंशन टू यूटी का निकाले, किसका निकाले
यू क्या है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है. इसका डायमेंशन क्या होता था? मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड मतलब एम जीरो एल टी माइनस वन. क्या यही होता था? वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता था एम जीरो एल वन टी माइनस वन. और यहां पर क्या है? टी वन यू टी है ना, यू टी है, टी वन है. तो ये आपस में डायमेंशन क्या हो जाएगा? जीरो मतलब वन हो जाएगा. तो देखो यहां पर क्या मिला डायमेंशन? एल वन मिला. क्या डी वन में भी एल वन था? तो ये दोनों डायमेंशन सेम हुआ. अब डी थ्री पे आते हैं. डी थ्री किसका डायमेंशन है? हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन है. कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, उसका डायमेंशन नहीं होता. हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता. हाफ को गोली मारो, नंबर को हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है. केवल हमें जरूरत किसकी है? अब एक्सेलरेशन की एसेंट होती है मीटर पर सेकेंड. डायमेंशन बनाते हैं लेंथ टाइम माइनस टू. बोलो हाँ है ना? हम डराइव भी करेंगे तो यहीं पहुंचेंगे. तो ए का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस, और टाइम स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन क्या होगा? टी स्क्वायर. ये भी क्या हो गया? देखो डी वन का डायमेंशन, डी टू का डायमेंशन, डी थ्री का क्या हुआ? तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन, बट इसका यूज क्या है? यूज देखिए, न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे. नहीं ये नहीं नोट करना, क्वेश्चन बनाना बता रहा हूं ना. क्वेश्चंस बनाने, हाँ क्वेश्चन है देखिएगा. फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन रिलेशन. क्वेश्चन है फाइंड द, आपको सीधे सीधे इक्वेशन प्रूफ करने को नहीं आता है, उसके एप्लीकेशन आता है. फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इन द रिलेशन ए इंटू बी है, मल्टीप्लाई करना, मतलब ए का डायमेंशन निकालेंगे और बी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. इन रिलेशन पी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर ए टी, वेयर पी इज पावर, पी इज पावर, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम. समझना, आपको पहले ए और बी की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी. सुनना मेरी बात, ए और बी की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ए इंटू बी करना है. इक्वेशन दिया है पी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी. अब देखना, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू का डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड पावर है, क्या है? पावर का डायमेंशन बताओ. रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना, तो एनर्जी का डायमेंशन बता दो, W अपॉन T कर दो, M1L2 T माइनस 2. अच्छा, ये डायमेंशन किसका है? पावर का. और यही डायमेंशन आपका आना चाहिए किसका? सेम. अब एक चीज और समझना, डायमेंशन में एक चीज और है कि अगर दो चीज ऐड हो रही है, मान लीजिए डायमेंशन एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी 1, फिजिकल क्वांटिटी 2, ये ऐड हो रही है. फिजिकल क्वांटिटी 1 माइनस हो रही फिजिकल क्वांटिटी 2, फिजिकल क्वांटिटी 1 डिवाइड हो रही फिजिकल क्वांटिटी 2 से. वो तभी हो पाएगा इसका डायमेंशन बराबर हो, पावर बराबर हो, इसका डायमेंशन बराबर हो, इसका डायमेंशन बराबर हो. दो फिजिकल क्वांटिटी चाहे ऐड हो रही हो, चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो, चाहे डिवाइड हो रही हो, चाहे माइनस हो रही हो, उनका डायमेंशन तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. तो क्या करना, देखे इसकी क्यों ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके डायमेंशन बी का निकालेंगे. अब ये देखो, इसको देखना ध्यान से, ये बी माइनस एक्स स्क्वायर, इसको देखना ध्यान से. एक्स का जो डायमेंशन होगा वही बी का होगा. बोलो क्यों? क्योंकि एक्स लेंथ है और ये आपस में माइनस हो रहा है. भाई लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटी है. लेट से दिस इज फिजिकल क्वांटिटी 1 एंड दिस इज फिजिकल क्वांटिटी 2, ये आपस में माइनस हो रही है. इसका मतलब इसका डायमेंशन डी1 और इसका डायमेंशन डी2 मस्ट बी इक्वल. ये लेंथ है, एक्स क्या है? डिस्टेंस है. डिस्टेंस मतलब लेंथ में. तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा? लेंथ स्क्वायर. क्या वही डायमेंशन बी का भी होना चाहिए? तभी तो माइनस हो रही है. तो यानी बी का डायमेंशन आ गया एल स्क्वायर. क्या आ गया? बी का तो हो गया. अभी एक और बचा हुआ है. कौन बचा है? ए. एक चीज और समझिएगा, पी इज इक्वल टू अगर लिखा है बी माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायमेंशनली दो बार नहीं लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो जीरो दे देगा. केवल एल स्क्वायर लिखेंगे. क्या लिखेंगे?
आपस में माइनस हो रहा है ना, लेकिन वो नंबर में करते हैं, डायमेंशन में नहीं करते हैं, ऐड कर देते हैं, एक लेते हैं, ऊपर लिखा है एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि बी का भी डायमेंशन क्या है और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, इसको ऐसे नहीं काटेंगे, कटेगा तभी जब यहां पे मल्टीप्लाई और पावर माइनस में हो, केवल एल स्क्वायर उठाएंगे, क्या उठाएंगे कि एक जैसा टर्म है, डायमेंशन का मतलब एक जैसा टर्म है, दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, तो देखिए पी इज इक्वल टू हो गया ऊपर एल स्क्वायर, ए का डायमेंशन हमें नहीं पता है, टी का डायमेंशन हमें पता है टाइम है, तो अगर मैं भाई साहब को थोड़े देर के लिए उड़ाकर वहां भेज, थोड़े देर के लिए P इंटू ए कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस वन, कोई दिक्कत है? अब P को नीचे भेज देता हूं, यहां से P हट गया, P का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके कि नहीं निकाले, पहले बताओ, वहां निकाला देखो M1, भाई थोड़ा सा अब सुनना, एल स्क्वायर टी माइनस वन पावर का क्या था डायमेंशन, थोड़ा सा नीचे बताना, एम वन यही था ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे देखना, m ऊपर गया m माइनस वन, ये t l2 और ये भी l2 है, डिवाइड में कट सकता है, डिवाइड में क्योंकि ऊपर जाएगा, अगर देखो l2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ऐसे, बेस सेम पावर एट हो गया, इसको देखो t माइनस वन प्लस टू, तो ये हो गया m माइनस वन एल जीरो टी प्लस वन, ये किसका आया पता है, एक आया, नहीं ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए कोई वेरिएबल है, ए और बी वेरिएबल है, क्या है, अब ए का डायमेंशन हमारे पास आ गया, बी का डायमेंशन अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, निकालना क्या था ए इंटू बी, ए का डायमेंशन वहां से है एम वन माइनस वन एल जीरो टी वन, इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, तो रिजल्टेंट डायमेंशन आया एम माइनस वन एल टू टी वन, ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, ये है डायमेंशन एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके सॉल्व करना, डायमेंशन एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से यूज करके हम डायमेंशन निकाले हैं। मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है, ये हम लोग पेज नंबर पढ़ रहे हैं 29, ठीक है, उसमें लिखा होगा 2.29, 2. मतलब चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 29, और ये था बहुत अच्छा एग्जांपल नंबर है ये 47, एग्जांपल नंबर है 47, तो आज ये रोक रहे हैं, ठीक है, कल हम क्लास आपकी बना देते हैं 2 to 3, है ना, 2 to 3 दो बजे, ठीक है ना, ख़त्म कर देते हैं इसको, थोड़ा सा बचा होगा कल ख़त्म कर देंगे इसको, ताकि अगली क्लास से हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ें सीधे, अब मैथमेटिक्स जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं रोक रोक के बता दूंगा, इसलिए मैं उसको लेक्चर नहीं बना रहा हूँ अलग से, जैसे जब हम करेंगे वेलोसिटी निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी डेरिवेटिव्स की, तो उसी समय बता देंगे कि कौन कौन से डेरिवेटिव की ज़रूरत है, हमें अलग से मैथ की क्लास नहीं बना रहे। इसमें भी 10 क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे भी 10 क्वेश्चन है, 9 एक्सरसाइज 10 एग्जांपल है, ठीक है, तो पहले आप एग्जांपल ट्राई करेंगी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन आप करके आएंगी, पीडीएफ दे दिया मैंने, है ना, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगर टैब वैब हो टैब में ओपन कर लो, तब तक देखो मैंने तो इस पीडीएफ के लिए एक टैब लिया नया, यही टैब ले लो, ये ले लो, बहुत बढ़िया टैब है, मैंने कल ख़रीदा 12,000 रुपये का, रेडमी का है ये, तो था ही एप्पल का टैब, हाँ तो उसमें ये पीडीएफ डाल लेना, ओपन कर लेना जब तक बुक, लेकिन लेना बुक ही लास्ट में जब भी लेना, क्योंकि बुक से ही पढ़ाई अच्छी होती है, जब पढ़ना